बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपसे 10-15 ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के हवाले से आपको बताऊंगा जिनमें एडमिशन अभी तक ओपन है, जिनका मेरिट भी लो होता है, जिनकी फी भी नॉर्मल होती है। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें सितंबर अक्टूबर में एडमिशन ओपन है। लेकिन वीडियो में अपडेट शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बात करें सबसे पहले नंबर पर तो मंसूबा मुल्तान, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में एडमिशन ओपन है। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं मंसूबा मुल्तान में एडमिशन लेने के लिए, स्टूडेंट्स आप इसमें लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। 7 सितंबर 2023 इसमें अप्लाई की लास्ट डेट है, आज लास्ट है, लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। सेकंड नंबर पर एरेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में एडमिशन ओपन है। डिफरेंट प्रोग्राम में जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, दोबारा एडमिशन रीओपन हो चुके हैं बीएस के प्रोग्राम में, स्टूडेंट्स आप उसमें लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। थर्ड नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का सब कैंपस उकाड़ा, विहारी कैंपस, बुरेवाला कैंपस, तमाम कैंपसेज में इसमें बीएस के एडमिशन ओपन है। इसका एडमिशन टेस्ट की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, इसमें आप अप्लाई कर लें जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको मजीद बताऊँ तो यूवास लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर में एडमिशन ओपन है। एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, अभी तक आपके पास 15-20 दिन का टाइम है। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं यूवास लाहौर में एडमिशन लेने के लिए, स्टूडेंट्स इसकी वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मजीद बताऊं तो चौड़िस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर, बहावलपुर से 10-15 किलोमीटर जो है वो आगे यूनिवर्सिटी है। ऐसे स्टूडेंट्स इसमें जाके अप्लाई करें जो कि उसके करीबी एरिया से जो है बिलोंग करते हैं। इसमें जो है जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे जो है वो एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। चौड़िस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स इसकी वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 सितंबर 2023 लास्ट डेट है, आप जो है वो उधर जाके अपनी एप्लीकेशन लिख के दें और वहाँ आपको परफॉर्मर फिल करके आप उसमें डिफरेंट बीएस के प्रोग्राम में भी और डिफरेंट डिप्लोमा बेस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मजीद डिटेल इसकी वेबसाइट पे भी जा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस का, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है। इसके अलावा स्टूडेंस आपको मजीद बताऊँ तो आप जो है वो गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में एडमिशन ले सकते हैं, उसमें भी एडमिशन ओपन है। गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में पहले अप्लाई की लास्ट डेट 31 अगस्त थी, लेकिन अब 30 सितंबर 2023 है। तो 30 सितंबर 2023 तक स्टूडेंट्स आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में भी एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छा चांस अभी तक मौजूद है। तो ये डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिनमें एडमिशन ओपन है। उसके अलावा आपको मजीद बताऊँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर में एडमिशन ओपन है। जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं बीएस मेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्टूडेंट्स आप इसमें भी अप्लाई कर लें, आपका अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है। उसके बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एनसीएल लाहौर रावलपिंडी कैंपस में एडमिशन ओपन है। जो स्टूडेंट्स नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स आप इसमें भी लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके एडमिशन भी क्लोज हो जाएंगी, तो आपके पास अभी भी चांस मौजूद है। तो इस तरह डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ओपन है। मैंने आपको जो है 10-15 ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के हवाले से बता दिया जिनमें एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा वीजा जो है कुछ जो है वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स में, स्पोकन इंग्लिश और इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन है, उसमें भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो 2-2 मंथ के, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ के जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो इसका जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का जो मेन कैंपस है उसमें भी इसके एडमिशन ओपन है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ओपन है। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर जो है वो डिटेल चेक कर लें और अप्लाई कर लें। अगर आपका कोई सवाल हो इनके हवाले से, डेली बेस पे जो हमारी क्वेश्चंस की वीडियो आती है उसमें आप अपना सवाल भेज दिया करें, उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट डे हमारी आंसर्स वाली वीडियो में मिल जाता है। इसके अलावा आप वीजा जो मुल्तान के व्लॉग्स देख सकते हैं, आपको हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।